ले, तू भी लिख। सच में बंद हो जाएगी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा दीदी, कुछ भी नहीं। नहीं अशोक, मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मैं कुछ बदलने नहीं दूंगी। लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया? हमारा घर सरकार को क्यों दिया, बताओ ना दीदी। रमा, रमा मुझसे बात नहीं करोगी? बात करने के लिए बचा है क्या यार? आज तक मेरी एक बात सुनी है आपने? 100 बार कहा था इतना कर्जा मत लीजिए, पर आपने कुछ नहीं सुना। जरूरी है बेटियों के अच्छे घर में शादी हो, लेकिन आपकी तो जिद थी ना, दोनों बेटियों की शादी बहुत बड़े घराने में करनी, और ऊपर से शादी के वक्त आप उनकी बराबरी करने लग गए। कर्जा लेकर बेटियों को गहनों से लाद दिया, बड़ी बेटी के वक्त खेत बेच दिए, और दूसरी बेटी की शादी के वक्त घर गिरवे रख दिया। हाँ तो अपनी बेटियों के लिए तो किया ना, क्या गलत किया? अरे बेटी धूमधाम से ब्याही जाएगी तभी तो उसे ससुराल में इज्जत मिलेगी, नहीं तो बड़े खानदान वाले लोग उसे ताना नहीं देंगे। सोचा था काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, चुका दूंगा कर्ज, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। इस पर भी तुम मुझे ही कोसोगी? मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम कुलकर्णी सरकार के बंदी बन चुके हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, राहता का एक बड़ा साहूकार मेरा दोस्त है, मैंने बात कर रखी है उससे, उससे पैसे उठाकर सरकार से लिए हुए कर्ज को चुका दूंगा। हाँ ब्याज दोगुना है, पर हमें समय तो मिल जाएगा। तो पागल हो गया, कर्जा चुकाने के लिए दुगने ब्याज पे कर्जा लेंगे और चुकाएंगे कहां से? आज तक मैंने आपको अपनी मनमानी करने से कभी नहीं रोका, लेकिन इस बार मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। अरे तो फिर तुम चाहती क्या हो? आपका ये बेकार का दिखावा और उसके लिए बेकार के खर्चे बंद कर दीजिए। वहां देखिए वो बच्ची जिसकी अभी शादी की उम्र हो रही है, और एक बेटा जो भी पढ़ रहा है। इन्हें मजदूर बनाने की बात कर रहा था वो कुलकर्णी, जान जल रही है मेरी, मुझे नहीं पता हम इस सबसे बाहर कैसे निकलेंगे और निकल पाएंगे भी या नहीं। मैं बस आपके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इसके बाद हमें किसी और मुसीबत में मत डालिए। कुलकर्णी सरकार ने हमें रहने के लिए छत तो दी है, आपका वो साहूकार हमसे ये भी ना छीन ले। आ,
मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है इस मुसीबत से तुम सबको बचाने का। तरीका तो है ना, साई ने बताया था। साई, हम पहुंच गए साकोरी की सीमा पर। इसमें पानी ले आना। जी साई। राम जी को साक्षी मानकर आपकी यहां स्थापना की है हनुमान जी, ये काम अब आपके जिम्मे है। कौन सा काम साई? किसी को वही आजादी दिलाने का जो कभी तुम्हें मिली थी। लेकिन साहिब, विवा रात होने को है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई।
ये क्या हो गया राघव? मुझे अभी पता चला। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम खानदानी रईस नहीं हो। बेटियों की शादी सादगी से हो सकती थी, पूरे गांव को दावत देने की क्या जरूरत थी? बताओ, तुम अपने ही घर से बेघर हो गए और ऊपर से सरकार के गुलाम, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा तुम सबको। सच में शायद बहुत कुछ झेलना पड़ेगा हमें। पापा, जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन अशोक तो अभी बहुत छोटा है, हम उसे बंधुआ मजदूरी करने कैसे दे सकते हैं? और कोई चारा नहीं है बेटी। चारा है ना, हम अशोक को साई के पास छोड़ देंगे, वहां उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। नहीं ताई, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। अशोक, साई तेरा मुझसे भी अच्छा ख्याल रखेंगे, वहां तेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। नहीं ताई, मैंने कहा ना, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। सरकार नहीं मानेंगे, उन्होंने हम चारों को ही गुलाम बनाया है। अगर अशोक को द्वारका माई भेज दिया तो सरकार का कोई भरोसा नहीं। कहीं साई की बेइज्जती कर दी तो? साई अपमान और सम्मान की बातों से परे है। तू नहीं समझेगी बेटी, मजबूर हूं मैं। मैंने जो कागज में लिख के दिया है उसका। पापा, मैं तो मजबूर नहीं हूं, मैं आपके फैसलों का बोझ जरूर उठाऊंगी। लेकिन अशोक तो बहुत छोटा है, अगर हमने उसे अपने साथ मजदूरी करने दी तो वो गलती नहीं गुनाह होगा। उसे उसकी जिंदगी जीने दीजिए। साई, आप मुझे अपने से दूर क्यों करना चाहती हैं? सुमति, जितना प्यार तू अशोक से करती है ना, उतना ही वो भी तुझ से करता है। इसलिए वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ ताई, अब जो भी होगा हम सब साथ में उससे निपटेंगे। खाओ राजा, खाओ। आज का ये आखिरी दिन है जब तुम्हें ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है। कल से तो हमारे घर में चार चार नए नौकर होंगे जो दिन रात हमारी सेवा करेंगे। मिलो। फिर तुम रोज पूरन पोली खाना, पकवान खाना। वो चार लोग नौकर है नहीं, उन्हें बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका खून ही चूस लो। याद रहे, उन चार लोगों में से दो बच्चे हैं। अहो, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हमें उनके साथ इंसानियत दिखानी चाहिए बाबा। मैं तुम्हें कभी बताता हूं केशव कि तुम्हें अपना व्यापार कैसे करना चाहिए। आहो, लेकिन हमारे घर में काम करने के लिए पहले से ही लोग हैं। किसी का हंसता खेलता परिवार हो
और उन्हें गुलाम बनाकर उनकी हाय लेना ठीक होगा क्या? समझे तो? कर्ज राघव ने लिया है बाबा, ना चुका पाए तो खुद काम करके उधार चुका दे, यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन उसका परिवार क्यों? आप दोनों को तो बस दूसरों का सुख नजर आता है, और अपने परिवार का क्या? हाँ, अपने सारे नौकर शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं, अब आराम मिलेगा जब पूरे दिन रात चार लोग हमारी सेवा में रहेंगे, और आप ही बताइए क्या राघव खाना पका पाएगा? नहीं ना, उसकी बीवी खाना पकाएगी और उसकी बेटी को हम अपनी राजा की आया बनाएंगे। मुझे कोई आया वाया नहीं चाहिए, साई ने सिखाया कि सबको खुद का काम खुद करना चाहिए। चुप, बड़े बात कर रहे हैं ना सासू माँ? आप भी ना दिन भर काम करती रहती है, अब जब किस्मत हाथ खोलकर दे रही है तो आप है कि पल्लों में गांठ बांधकर बैठी है। ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही तो ये हुआ है कि केशव को तुम्हारे जैसे पत्नी मिल गई है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है। स्वार्थ और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं बाबा। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? ससुर जी ने अगवा नहीं किया उसके परिवार को, वो राघव खुद आया था या पैसे मांगने, और खुद कर्जे की शर्तों पर राजी भी हुआ था। जब उसे शर्म नहीं आ रही अपने परिवार को गिरवी रखते हुए, तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? महाभारत में भी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था, गलती उनकी थी, लेकिन द्रौपदी का अपमान करना या ना करना ये तो कौरवों के हाथ था। कौरवों ने अपने अहंकार में क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बस हो गया केशव, इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और अगर किसी को तकलीफ है, समस्या है, तो वो घर छोड़ के जा सकता है, क्योंकि यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। हम आ गए सरकार। हरिओम। वाड़े के पीछे एक झोपड़ी है, वहां रहोगे तुम लोग, समझे? जी सरकार। कल सुबह मैं और मेरी बहू तुम लोगों को क्या काम करना है वो समझा देंगे। हरिओम। काका, आप लोगों ने खाना खाया है? मैं खाना लगा देता हूं। अपनी कड़वाहट से मेरी भूख तो मार दी तुमने, और इन भिखारियों के लिए तुम खाना लगा रहे हो? ये मेरा इतना ऋणी है इस समय कि इसे अपने हिस्से का भी खाना मुझे देना चाहिए। कल से काम के बदले में रोटियां मिलेंगी, आज उपवास कर लो, और फिर पता चलेगा ऋण लेकर ना चुकाने का परिणाम क्या होता है। खा
घर आए हुए जानवर को भी भूखा नहीं भेजते पिताजी, और ये तो इंसान है। दास है ये, दास। और दास के कोई अधिकार नहीं होते, मानवता के नाते भी नहीं। मैं अपनी इंसानियत नहीं भूला हूं पिताजी। मुझे बताइए कितना कर्ज है इनका, मैं चुका दूंगा। अच्छा, खुद कितना कमा लेते हो तुम केशव, जो मुझे पैसे देने चले हो? है? और अगर पैसे लौटाने ही हैं, तो मेरे वो पैसे लौटा जो मैंने तुम्हारे शिक्षा पर खर्च किए। लंदन में रहने का, वहां पढ़ने का कितना खर्चा हुआ है मेरा पता है? 50,000 रुपए, जो तुमने सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए। लौटा? और अगर नहीं लौटा सकते तो अपना मुंह बंद रखो। और मेरी दया भी देखो, मेरी महानता भी देखो। अगर मैं चाहता तो इनका छत छीन सकता था, लेकिन मैंने इन्हें रहने के लिए कर दिया है। केशव भाऊ, आप हमारे कारण अपने पिताजी से मनमुटाव मत कीजिए। हमें तो अब ऐसे भी इस तरह जीने की आदत डालनी होगी। ए दास है ना, जब तू सुबह आएगा और रात को जाएगा, तब तुम चारों दोनों समय मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करोगे। सरकार, अब जो चाहे हमसे करवा लीजिए। आप कहेंगे तो हम दो बार क्या, दिन में 10 बार आपके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है। लेकिन अरे बच्चे, सरकार सबके सब दोषी हो तुम। ये तुम्हारी बेटी, तू ही लेके आई थी ना उस फकीर को। जब तुम लोग उस पाखंडी के सामने झुक सकते हो, तो मेरे सामने भी झुकना पड़ेगा। तेरा ये बेटा, इसका दोष क्या है जानती है? इसका यही दोष है कि इसने तुम्हारे घर में जन्म लिया। देख क्या रहे हो? पता नहीं आपके घर में जन्म लेके मैंने कितना बड़ा पाप किया है। पाप? ये तुम क्या कह रहे हो केशव? तुम्हें दिख नहीं रहा है कितनी समृद्धि है इस घर में? पाप है, पुण्य है, मुझे बहुत फल रहा है। तुम
हरिओम हरिओम। साई, आप हमेशा कर्म को महत्व देते हैं, लेकिन क्या सच में इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है? कुलकर्णी सरकार को देखिए, इतने सालों में उन्होंने क्या क्या बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका अपना जीवन बड़े आराम से कट रहा है, उन पर कभी कोई मुश्किल नहीं आती, खुशी खुशी जी रहे। मुझे ये बताओ भीवा, खुशी क्या होती है? सबके लिए खुशी अलग अलग होती होगी साई, जब मुझे पता हो कि मेरे पास उतने पैसे हैं कि अगले महीने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। विवाह, खुशियां और जरूरतें दोनों अलग चीज है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अगले महीने अपने परिवार का पेट भर सको, ये तुम्हारी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। अगर कोई तुम्हें अथाह पैसे दे और कहे कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, शिरडी को छोड़ दो, तो क्या तुम्हें खुशी होगी भीवा? नहीं साई, परिवार और शिरडी को छोड़ के पैसों का क्या करूंगा मैं? इसका मतलब ये है कि पैसों से नहीं, परिवार से तुम्हारी खुशी है। अब बात करते हैं कर्मों के फल की। विवाह, तुम्हारे पहले के कर्मों का फल ये है कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल ये भी है कि तुम उस परिवार की कीमत समझ सकते हो। मालिक ने तुम्हें उतना विवेक दिया है, इतना कुछ सहने के बाद भी तुम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से नहीं भरे, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। तुम सुख से सोते हो, चैन की नींद सोते हो, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। जो भी तुम्हारी इज्जत करता है, दिल से करता है, डर से नहीं, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन जब कोई इंसान दूसरों के दुख में अपना सुख देखता है, तो वो बहुत असुरक्षित होता है। अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी असली दौलत तो उसके परिवार के वो लोग हैं जिनका वो सम्मान ही नहीं कर रहा है। इसीलिए कर्म करो, सही कर्म करो, ताकि उसके फलों में सुख का अनुभव कर सको। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.